मैंने एक फंड परचेस किया और उस फंड में मैंने 25 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए। अब वो फंड था डीएसपी की तरफ से, डीएसपी का लिक्विड फंड। ये जो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख रहे हैं ये कैम्स की तरफ से है मेरे, और आप देख सकते हो 7.58% का अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर इस फंड में मेरे को देखने को मिल रहा है, डीएसपी के लिक्विड फंड में। अब हुआ क्या, रातों रात एक खबर आई और मेरे को पता चला कि इसके ओनरशिप में कुछ चेंजेस हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठा यहाँ पर, मेरे पैसों का क्या होगा। हम सबके मन में सवाल आता है जब हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो क्या कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी हमारा पैसा लेकर भाग सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या म्यूचुअल फंड की एमसी ऐसा कर सकती है, हमारे पैसों का क्या होगा जब ओनरशिप चेंज होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को आखिरी तक इसके लिए देखते रहिए। तो मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मार्केट माएस्ट्रो। अब हुआ क्या, सबसे पहले डीएसपी की बात करते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद जो है बाकी फंड हाउसेस की बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका पैसा लेकर जा सकते हैं। डीएसपी में क्या होता था, डीएसपी ब्लैक रॉक एक जॉइंट वेंचर था। अब डीएसपी 60% पैसा था और ब्लैक रॉक के पास 40% ओनरशिप था। एक एग्रीमेंट यहां पर हुआ डीएसपी ग्रुप के द्वारा मई 2018 में कि डीएसपी खरीद लेगा ब्लैक रॉक के 40% के स्टेक को इनके जॉइंट वेंचर में, और हुआ भी यही। अगस्त में इनका जो फाइनल वो था वो बन गया, और अब इनके आप वेबसाइट में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आपको डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड पहले देखने को मिलता था, अब ये चेंज होकर हो गया डीएसपी म्यूचुअल फंड। ये एक चेंजेस यहां पर देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, क्या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा लेकर भाग सकती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए, जैसे आरबीआई है, आरबीआई चलाती है बैंक को, वैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया चलाती है म्यूचुअल फंड को। अब एक कस्टोडियन होता है। अब ये कस्टोडियन क्या होता है, ये कस्टोडियन जो है ये सारे म्यूचुअल फंड एसेट को मेंटेन करता है, जो सिक्योरिटीज में पैसा लगता है उसको ये देखता है। इसका किसी भी प्रकार में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहता है। कस्टोडियन का जो प्राइमरी जॉब होता है वो यहाँ पर होता है इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इसका काम होता है, मेरे पैसे को प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोटेक्ट करना, हमको प्रोटेक्ट करना, और हम सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ कीपिंग ऑफ यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ में हम पैसा लगाकर चलते हैं, इसका किसी भी प्रकार से कोई भी एफिलिएशन नहीं होता है, स्पॉन्सर के साथ किसी भी प्रकार का एफिलिएशन नहीं होता है। और एक चीज़ हम सुनते आते हैं वो है RNTA, यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। कैम्प्स और कार्वी, आपको एक स्टेटमेंट आपको पता होगा, स्टेटमेंट आप कैम्प्स एंड कार्वी से देखते हो, यही होते हैं RNTA। ये एक ब्रिज फॉर्म करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर और कस्टोडियन के बीच में। जो ऑडिटिंग होती है इनका लगातार होते रहता है क्वार्टरली, और सेबी को यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। अब क्या, ये तो बात हो गई सेबी की, ये तो बात हो गई कस्टोडियन की, क्या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा लेकर भाग सकती है? 0% चांस, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट। हम अक्सर यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड का एक बेसिक सा छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं तो ये हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछता ही है कि म्यूचुअल फंड क्या है, वहाँ पर आपको ट्रस्ट टिक करना रहता है। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है। अब ये ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन होते हैं, ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं इन्वेस्टर, यानी कि हम। तो जब ट्रस्ट डिसॉल्व होता है तो सारा का सारा पैसा जो है वो हमको मिल जाता है, तो पैसा लेकर भागने का कोई सवाल ही नहीं है। फोर स्ट्रक्चर में म्यूचुअल फंड का टायर काम करता है यहाँ पर, स्पॉन्सर, एएमसी, कस्टोडियन, ट्रस्टी, तो कोई चांस नहीं है कि आपका पैसा यहाँ पर जाने वाला है। इन सारे के बारे में मैं एक डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा बाद में इसके साथ, उसमें हम कुछ इसकी कुछ बेसिक की भी बात करेंगे, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसकी, जो इंडियन का ट्रस्ट एक्ट है वो भी, उसके बारे में भी बताएंगे, और आपको डिटेल में बताऊंगा कि पैसा लेकर भागना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर बिल्कुल म्यूचुअल फंड सेफ है, सेफ बिल्कुल हमारे बैंक के जैसे, जितना सेफ हमारे बैंक है उतना ही सेफ म्यूचुअल फंड भी है।
रिटर्न जो है वो मार्केट बेसिस पे है, फ्लक्चुएट यहाँ पर लगातार करते रहता है। अब अगर कोई फंड वाइंड अप होता है, फंड हाउस अगर कोई एमसी वाइंड अप होता है, अगर कोई फंड हाउस वाइंड अप होता है, अगर कोई फंड वाइंड अप होता है तो क्या होगा? तो आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे बिना किसी एग्जिट लोड के, बिना किसी प्रकार के पेनल्टी के। आखिरी एनएवी जो होगी उस पर आपको सारे के सारे पैसे जो है आपको मिल जाएंगे, एक भी रुपए कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरे 25 लाख थे वो मेरे को पता चला, अच्छा भैया आप सेफ है। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ है, किसी भी प्रकार का चिंता वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं होती है। जब भी कुछ ओनरशिप चेंज होता है या जब भी यहाँ पर एएमसी चेंज होता है, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एएमसी म्यूचुअल फंड की कंपनी आपका पैसा लेकर भाग जाए। अब वापस आते हैं घुमा फिरा कर, बात डीएसपी की करते हैं और बात को थोड़ा ख़त्म करते हैं जल्दी से। जो डीएसपी है इसका क्या किया जाए? डीएसपी में लगभग 23 लाख इंडिविजुअल इन्वेस्टर के आसपास है और इनके खाते यहाँ पर है, म्यूचुअल फंड अकाउंट में इनके फोलियोज हैं, उनके लिए क्या? तो सबसे बड़ी बात जो डीएसपी की अगर मैं बात करूँ, अब अच्छा है ब्लैक रॉक हट गया, पूरा का पूरा जो इंडियन पैसा है वो यहाँ पर लगेगा। डीएसपी पहले भी काफ़ी कमाल के फंड्स थे, इनके काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस था वो लगातार ये दे रहे थे। चाहे आप मेरा भी फंड देख लो, एक अच्छा खासा रिटर्न ये लगातार निकाल के दे रहे थे। तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बेचने का या रिडीम करने का बिल्कुल भी आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि काफ़ी कमाल है यहाँ पर, हालांकि आपको डीएसपी की तरफ से जो ये है कि आप निकल सकते हो अगर आप चाहे तो, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो इसके ओनरशिप चेंज होने से तो आप निकल सकते हो। 14 अगस्त से 12 सितंबर तक आप ये काम कर सकते हो बिना किसी प्रकार के एग्जिट लोड से। तो हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है, आपको फंड को रिडीम नहीं करना है, आपको फंड को बेचना नहीं है। मेरा ओपिनियन यही था ये वीडियो का कि आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कि मेरे हैं सेफ, वैसे ही आपके भी यहाँ पर सेफ है। डीएसपी में ही नहीं, यहाँ पर ओनरशिप चेंज होने से नहीं, सारे के सारे म्यूचुअल फंड में। ये था, जब बेसिक लोग आते हैं तो उनको ये बात में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मेरा पैसा लेकर कोई भाग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोग के साथ जो ये सवाल बार बार पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो सब बनाते हैं, कोई बताता है फंड के बारे में, कोई बताता है मैनेजर के बारे में, कोई रिटर्न के बारे में, ही बात होती रहती है। लेकिन सवाल हम सबके मन में रहता है। एक टाइम पे जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में पहले सुना था तो सवाल मेरे भी ऊपर मन में था कि क्या हमारा पैसा लेकर ये भाग सकते हैं, तो ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके साथ ताकि सबको ये बात पता चले, क्योंकि अब सिर्फ 9% लोग ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और 91% का ग्रोथ यहाँ पर बाकी है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसके साथ वीडियो को। अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी यूनिक वीडियो था, अपने तरह का वीडियो था। इसके साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन या सुझाव है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा नीचे लाल बटन को दबा के, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरे वीडियोज आए तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो जरूर से मिल जाए। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ में।